नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कामिका चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस में कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी में। डॉक्टर कामिका चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ हैं शेखर कुमार जी, जो भी एमबीबीजी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कंप्यूटर साइंस का हम देखते हैं कि पिछले लगभग दो दशकों से लगभग धूम है, बूम पर ये है, और उसके बाद भी उसकी मतलब रेटिंग कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कितना है डिमांड, मैं चाहती हूँ बेसिक हम लोग बात करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपके पास आती हूँ कि कितना लोगों में है मारामारी अभी भी इस कोर्स को करने की, क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता है और सरकारी स्कूल में तो काफी रिजनेबल फीस है। तो आपके वहाँ कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चे इसके लिए लगातार कॉम्पिटिशन में फाइट करते हैं? जी जी मैम, जैसा कि हम सभी अपने आसपास देखते ही हैं कि हमारा जो जीवन शैली है वो कंप्यूटर के बिना आजकल कितना अधूरा है। हमारी पढ़ाई से लेकर, हमारे एटीएम बैंक से लेकर, हमें जो भी कुछ करना है, हमें रिजर्वेशन करना है, हमें जिस भी काम को करना है, पढ़ाई भी करनी है इनफैक्ट। एंड अभी पिछले दो सालों में हमने देखा ही है कि कोरोना महामारी के समय कंप्यूटर का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। हमने हर चीज एक ऑनलाइन मोड में या वर्क फ्रॉम होम मोड से की है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें पता ही चल गया है कि आज के समय में ये कंप्यूटर का ही युग है। ये कंप्यूटर विज्ञान के बिना आजकल आई थिंक विज्ञान ही अधूरा है। तो इसलिए हमारे यहाँ एमबीबीजी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में हम बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस दोनों कोर्स को चलाते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस में हमारे यहाँ 40 सीटें निर्धारित हैं तथा एमएससी कंप्यूटर साइंस में हमारे यहाँ 20 सीटें निर्धारित हैं। एंड दोनों ही कोर्सेज में आई थिंक बहुत अच्छे से हमारे यहाँ विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। प्लस उसके साथ साथ हम बहुत अच्छे से उन्हें प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल दोनों एस्पेक्ट्स में उनको अपनी तरफ से पूरा ज्ञान उनको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, उसके बाद प्लेसमेंट या आगे के लिए आपके जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं? हमारे जो कोर्स के पुराने एलुमनाइज हैं, हमारे पास बहुत कुछ रेपुटेड स्टूडेंट्स भी हैं। जैसे कि अभी जो हमारे एमएससी का एक विद्यार्थी है, उसने नेट जेआरएफ क्लियर किया है। एंड उसी के साथ साथ बच्चे एयरफोर्स में भी जा रहे हैं, आर्मी में भी जा रहे हैं, प्लस कुछ बीएससी के बाद हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए इवन आईआईटीज में एडमिशन्स ले रहे हैं। एंड दे आर इवन एबल टू क्वालिफाई द आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। सो एंड इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज में भी प्लेसमेंट्स हैं बच्चों का। तो इस तरीके से उनका फ्यूचर काफी सेफ एंड सिक्योर है। तो सर, आपके पास मैं आती हूँ, कुछ बेसिक बताएं कि कंप्यूटर साइंस का जो दायरा है उसको समेटा जा सकता है किसी खास सीमा में, या फिर वो अनलिमिटेड है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है? मैम, आधुनिकता के इस युग में अगर हम इसको समेटने की बात करें, ये तो इम्पॉसिबल ही कहूंगा मैं कि एक कंप्यूटर को जो है इसके उपयोग हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, इसको हम लिमिटेड कर सके दायरे में, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़े पैमाने तक फैला हुआ क्षेत्र है। आज की डेट में हम चाहे विज्ञान की तरफ जाएं, मेडिकल की तरफ जाएं, हेल्थ केयर या बैंकिंग से कहीं भी जाएं, तो आपको कंप्यूटर ही मिलेगा। विदाउट इसके मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पॉसिबल है अब आज की डेट में जी। तो जैसे हम अगर कॉलेज लेवल में ही अपने यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे अभी ये दायरा धीरे धीरे फैल रहा है। हमारे पास जितने भी हायर एजुकेशन में जितने कॉलेजेस हैं हमारे उत्तराखंड के, यहाँ पे भी अभी लिमिटेड है, केवल 4-5 कॉलेजेस में ही कंप्यूटर साइंस है। तो अभी धीरे धीरे जो है अभी बढ़ रहा है, और जो क्रेज देखने को मिल रहा है लोगों को, इवन हमारे यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में 40 बच्चे हैं, इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है मेरिट बेसिस पे, तो हमें इवनिंग शिफ्ट ही चलानी पड़ी कि 40 बच्चे उसमें भी, उसके बाद भी हमारे पास बच्चे और वेटिंग में हैं। ये हमारे पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कंप्यूटर साइंस के लिए। जी। एक तो हमारी फीस काफी रिजनेबल है, और ऊपर से जो है क्रेज जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए मैम इसके तो इसको एक दायरे में बांधना पॉसिबल नहीं है, तो बढ़ते जा रहा है मैम ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ अगर करियर की बात करें, कहाँ कहाँ अवसर हैं कंप्यूटर साइंस अगर हम बीएससी एमएससी करते हैं? और क्या बीएससी केवल एक ही विषय से फिर वो स्टूडेंट करेगा, या और विषय के साथ में आईटी या कंप्यूटर साइंस ले रहा है? जी मैम, बीएससी के लिए विद्यार्थी को और भी विषय को पढ़ना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। एंड एमएससी स्पेसिफिक टू कंप्यूटर साइंस है, उसमें आप पूरा कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते हैं। तो मैम ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी संस्थान है जहां पे ऐसी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं निकलती है, छोटे से छोटे और लेवल से लेकर एंड बड़े से बड़े लेवल तक।
असिस्टेंट प्रोफेसर आई थिंक वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोस्ट है जो कंप्यूटर साइंस में निकलती है. उसके अलावा आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके कंप्यूटर प्रोग्रामर से लेके आपके आईटी हेड से लेके आईटी सेल ऑपरेटर से लेके देयर आर सो मेनी पोस्ट्स विच आर अवेलेबल. एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर कहें, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो आपके पास हर तरीके की जॉब है. आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको जॉब करनी है, या आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब करनी है, या आपको आईटी प्रोग्रामर रिलेटेड जॉब करनी है तो आई थिंक, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करनी है तो आई थिंक ऐसा कोई फील्ड नहीं है. इनफैक्ट अगर आप दूसरे फील्ड से भी हैं, एंड फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स स्टूडेंट हैं, उसके साथ साथ अगर आपने कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा डिप्लोमा भी किया है ना, तो दैट इज ऑलवेज एडेड प्लस पॉइंट इन द केस ऑफ टेकिंग द जॉब. जी, तो आप छोटी सी सर्टिफिकेट की भी वैल्यू है, बहुत वैल्यू होती है. हाँ जी, और एक टाइम आज से मुझे लग रहा है 10-15 साल पहले तो बहुत बड़ी बात होती थी कंप्यूटर साइंस. एक छोटी कस्बों में भी क्रेज था कि एक कंप्यूटर सेंटर होता था, प्राइवेट वाले सिखाते थे, हिल्ट्रॉन ने बहुत अरसे तक सिखाया है. तो वो दौर थोड़ा सा कुछ अगर यादें हो तो कैसे ग्रो हुआ ये वाला फील्ड. तो मैं ये देखता हूँ कि पहले मैंने जब जो है हिल्ट्रॉन में पहली बार इसमें डॉस सिस्टम चलता था उस टाइम पे तो ट्रेनिंग ली थी, बल्कि 6 मंथ का कोर्स होता था तो पहली बार कंप्यूटर देखा था कि ऐसा होता है, ऐसी मशीन है. तो एक ब्लैक सी स्क्रीन चलती थी, उसी में कुछ कमांड्स के बेस पे हमें सिखाते थे. तो वही चीजें, प्योरली कमांड बेस्ड सिस्टम था उस टाइम पे. तो आजकल तो जो है मैम इतना यूजर इंटरफेस इतना ज्यादा वो है ना, कोई इजीली एक्सेस कर सकता है ना. तो उस दौर पे तो मैं वैसे चलता था धीरे धीरे. आजकल जो हम देख रहे हैं, तो आजकल तो एक स्मार्टफोन लगा लो ना, और लैपटॉप्स है, पंप, कितने टाइप के कंप्यूटर्स हैं, हर एक मशीन ही कंप्यूटर है आज की डेट में. तो हर चीज उस पे काम कर रहा है ना. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा मैम की बात पे, जो इनके उसके लिए बात आ रही थी कि कहाँ कहाँ पे करियर की बात आ रही थी करंट ओरिएंटेड. तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैम आजकल चाहे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, एक उसमें सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी है. किसी भी पोस्ट में आप देख लीजिए ना, भले 6 महीने 3 महीने 6 महीने 3 महीने, अब तो 1 साल का कर दिया है कंपल्सरी. बेसिक नॉलेज तो है ही, बल्कि अभी एक सचिवालय में पोस्ट निकली हुई थी, अपर निजी सचिव वाली और लोक सेवा आयोग में, उसमें यही मांगा गया था कि या तो स्नातक डिग्री हो या उसने स्नातक डिग्री के साथ मतलब 1 साल का कंप्यूटर कोर्स हो, अथवा उसका जो है कि बीसीए या बीएससी सीएसए किया हो ना. तो एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है ना. तो जो आम आदमी है, आम स्टूडेंट है, आम जो जन है, वो सीखे तो प्रॉपर उसको कोई संस्थान ज्वाइन करना पड़ेगा, प्राइवेट कोई कैफे या जहां पे सिखाते हैं प्रॉपर, या फिर खुद से भी वो मोबाइल आजकल है तो सीख सकता है. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आजकल तो कंप्यूटर के लिए तो इतने ज्यादा ई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज, बल्कि खुद आपका जो है यूयू इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है आपके कोर्सेज. तो खुद कुमाऊं यूनिवर्सिटी चला रहा है ना, बहुत सारे ई रिसोर्सेज अवेलेबल है, बच्चा घर में बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी सीख सकता है आज के डेट में. तो बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं. एंड अगर आपको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए मैम, तो आप देखिए कि इवन जॉब नहीं चाहिए लेकिन जॉब के लिए अगर फॉर्म भी फिल करना है, जॉब छोड़िए एडमिशन के लिए अगर आपको फॉर्म भी फिल करना है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा काम है जो आप आजकल बिना कंप्यूटर से सीखे कुछ कर सकते हैं. तो या तो आप डिपेंड हो जाएंगे कि आप किसी साइबर कैफे जाएंगे, किसी को पेमेंट करेंगे, तब भी आपको बहुत कुछ ऐसा है जो आना ही चाहिए. बिल्कुल, और यही वजह पहला स्टेप में साइबर कैफे बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, बहुत डिमांड बढ़ गई. 10 तरह की परीक्षाएं हैं और सब ऑनलाइन हो रही हैं, उनके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं. मैम आपको ट्रैवल भी करना, रिजर्वेशन कराने के लिए हमेशा, तब भी आपको रिजर्वेशन काउंटर पे जाना होता है, वहां भी आप ऑब्वियसली कंप्यूटर के सिस्टम के साथ ही डील करते हैं. और अगर आपने ये चीजें सीख ली हैं तो आप घर बैठे बचा सकते हैं, परेशान होने से बच सकते हैं. आई थिंक इतनी बेसिक नॉलेज तो सभी के लिए आवश्यक है आज के युग में ना, चाहे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड है चाहे नहीं है, एटलीस्ट कुछ ऐसे हमारे सिंपल सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये 3-4 चीजें भी अगर हमको आ जाती हैं, या हमें ब्राउजर एक्सेस करना हो गया, इंटरनेट एक्सेस करना हो गया, तो हम शायद अपनी डे टू डे लाइफ का बहुत सारा काम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं खुद से. जी ये मैम आपने बेसिक बताई, इससे ऊपर अगर बात करें तो और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं मैम? एज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को अगर सीखना है तो मैम आजकल जैसे हम देखते हैं कि डेटा साइंस का टाइम है, बिग डेटा का टाइम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम है, साइबर सिक्योरिटी का टाइम है, तो एटलीस्ट इवन आफ्टर गेटिंग द ग्रेजुएशन आप अगर इन सब चीजों में सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लेते हैं, या तो आप सर्टिफिकेट, अगर आपके पास शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कीजिए जो कि 6 महीने के या 1 साल के होते हैं, अदरवाइज
आजकल पूरे जो आपकी मास्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो इतने स्पेसिफिक है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन IoT, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस, तो इन सारे डायरेक्शंस में भी आप मूव ऑन कर सकते हैं जी। और थोड़ा रिस्क लेके जाना चाहिए इस तरह के फील्ड्स में, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ये IITs में भी बहुत नई नई तरह की ब्रांचेज आ गई हैं जी जी, इसमें बच्चा देखता है कि यार प्लेसमेंट कैसा है, कई बार कतराते भी हैं, लेकिन बिल्कुल नई नई तरह की आ रही है। मतलब मैम ऑलमोस्ट जो है हर कोई प्लेसमेंट पाई जाता है ना, ऐसा तो है नहीं। इवन अब तो कितने हमारे जो है कंपनीज ऐसे जॉब प्रोवाइड कर रही है कि घर बैठ के आपको टास्क दे दे रहे हैं, उस टास्क को कंप्लीट करिए, आप जो है सीधे वो रिक्रूट करिए। बल्कि हम एक बच्चे का मैंने ऐसे ही वाइवा लिया था, अल्मोड़ा में रहते हुए, वो UK की कंपनी में वहां जॉब करता है। अच्छा, वहां पे UK में जॉब करता है और है यहीं पे अल्मोड़ा में ही, घर बैठ के ही सारे जो कोडिंग वगैरह सब घर बैठ के करता है और रेगुलर पेमेंट और मंथली बेसिस पे, ऐसी तो इस तरह के अवसर बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत अवसर। बल्कि हमारे खुद MSc के 2 स्टूडेंट जो अभी प्लेस हुए हैं, अच्छा, ये वो वर्क फ्रॉम होम ही है उनका भी यही है जी जी, घर बैठ के जो है सारी चीजें, अभी हमारे रिजल्ट अभी आया हुआ है, उससे पहले उनको जॉब मिल गया है। मैम कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल साइंस वालों को भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को भी अलाउ करता है, वो आपके सिविल वालों को भी अलाउ करता है, वो इलेक्ट्रिकल वालों को भी अलाउ करता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें अगर आपके पास इन सारे विषयों में भी डिग्री है ना, देन ऑल्सो यू कैन बी प्लेस्ड इन टू द कंप्यूटर साइंस कंपनी। तो मतलब इतना ज्यादा फैला हुआ है कि इसका कोई एंड ही नहीं है, सब्जी में आलू की तरह जो है जरूरत हमेशा बनी हुई है, हमेशा जरूरत पड़ी है जी जी। तो मैम कोई संदेश हो आपका चलते चलते हमारे स्टूडेंट्स के लिए जी, और आगे मैम स्टूडेंट्स के लिए ये संदेश है कि कंप्यूटर साइंस अगर आप सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर पढ़िए, बहुत ग्रेजुएशन भी कीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कीजिए, और अपने आपको रिसर्च के फील्ड में अगर आप आगे ला सकते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आप नेट की तैयारी कीजिए, एंड उसके बाद आप रिसर्च के फील्ड में अपने आपको आगे बढ़ाइए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि सब कुछ आई थिंक आजकल रिसर्च बेस्ड ही है। एंड हमारी टेक्नोलॉजी अगर रिसर्च नहीं हम कर पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ इतना ही ध्येय नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ग्रेजुएशन करिए एंड वी आर डन विद आवर एजुकेशन, आई थिंक फर्दर हमारा गोल रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया मैम। सर आप चलते चलते क्या बताएंगे कि जैसे भारत या भरभरा उत्तराखंड इन मामलों में कितना पीछे अभी है और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? मैम अभी हम अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो जैसा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो आई है इस पर तो क्लियरली यही बात की गई है कि डिजिटल की तरफ बढ़ावा देना है, हमारी जितनी भी चीजें ICT टेक्नोलॉजीज को यूज करना है ना, तो उत्तराखंड में अभी जो है इन चीजों में पिछड़ा हुआ है, केवल इस वजह से कि रिमोट लोकेशन पे हमारे जो एरिया है अलग अलग जगह वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, केवल यही प्रॉब्लम है। बाकी तो ऐसा जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहां पे बहुत अच्छा है जी। इवन अगर आप मोबाइल की भी बात करें, मोबाइल भी हमारे रिमोट लोकेशन पे कई सारी ऐसी लोकेशन हैं जहां पे सिग्नल तक नहीं है, तो वो बच्चा जो है क्या करेगा जी। तो ये चुनौती है बड़ी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सिग्नल पहुंचे हैं, कंप्यूटर तभी काम करेंगे, इंटरनेट तभी काम करेगा। इवन कोरोना टाइम पे भी यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, बच्चे अपनी लोकेशंस पे थे तो दे वर नॉट एबल टू कनेक्ट टू अस, क्लास हो रही है बट वो ज्वाइन नहीं कर पाते थे, इसलिए तो सिग्नल्स का पहुंचाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो डिजिटलीकरण का सपना तभी पूरा होगा जब हम बेसिक संसाधन पहाड़ों तक पहुंचा पाएंगे। रिसोर्सेज पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर रिसोर्सेज अगर अवेलेबल करवा रहे हैं और उनका प्रॉपर रख रखाव मेंटेनेंस हो रहा है तो मैं ये तो बहुत जरूरी है, मतलब करना ही है बिल्कुल। तो सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त हमारी श्रोताओं के साथ साझा किया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी विषय पर आप लोग लगातार बात करने के लिए आते रहे, बिल्कुल मैम बिल्कुल जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।